ब्यावरा विद्युत मंडल उप महाप्रबंधक रितेश श्रीवास्तव को भोपाल लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। भोपाल लोकायुक्त ने 10 सदस्यों के साथ छापा मारा। कार्रवाई के लिए सुबह 10 बजे से इंतजार कर रही थी लोकायुक्त की टीम। दोपहर 1:30 बजे प्राइवेट ठेकेदार सुरेंद्र गुर्जर से 10,000 रुपये लेते समय लोकायुक्त टीम ने छापा मारा। शिकायतकर्ता 15,000 रुपये 2 दिन पहले दे चुका था। 15,000 बरामद करने के लिए लोकल टीम ने भोपाल स्थित घर पर भी छापा मारा। डॉक्टर जलील ने बताया कि 5,000 रुपये एक फाइल के लेते थे विद्युत मंडल उप महाप्रबंधक रितेश श्रीवास्तव। 6 फाइल पास करने के 30,000 में समझौता हुआ था। उनके घर पर भी कार्रवाई जारी है। ब्यावरा से मोहन वर्मा की रिपोर्ट। आईडी नीचे रख लेने वाला काम नहीं है। आईडी सर, ये आज कार्रवाई हुई है। क्या है पूरा मामला? और कोई तो नहीं आना है? हाँ जी, ये सुरेंद्र गुर्जर विद्युत ठेकेदार हैं। ये OYT एक योजना है आपके यहाँ, इसमें ग्रामीण खेतों में किसानों के पास जिनको आवश्यकता होती है विद्युत ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन किया जाता है, उस योजना के अंतर्गत सुरेंद्र जो ठेकेदार है सुरेंद्र गुर्जर के द्वारा 6 फाइलें मूव की गई थी जिसमें 6 विद्युत ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन किया जाना था। तो प्रति फाइल उसको अप्रूव करने के लिए जो DGM है मिस्टर रितेश श्रीवास्तव, इनके द्वारा 5,000 रुपये प्रति फाइल के हिसाब से 30,000 रुपये की मांग की गई थी रिश्वत के रूप में। दिनांक 17 दिसंबर 2020 को ये सुरेंद्र गुर्जर SP लोकायुक्त भोपाल श्री मनु व्यास जी के यहाँ शिकायत करने पहुंचा था। उस शिकायत का हमने वेरिफिकेशन किया और सत्यापन पर यह पाया कि हाँ, इनके द्वारा ये रिश्वत की मांग की गई थी। वेरिफिकेशन के पश्चात आज हमने उस दिन इनके द्वारा 15,000 रुपये उससे एडवांस के तौर पर ले लिए गए थे। 10,000 रुपये ने आज रिसीव किए हैं। हमने इनको पैसे लेते हुए इनकी जेब से टिल्टेड मनी जो हमारी थी पाउडर लगे नोट प्राप्त किए हैं और इनको एंटी करप्शन एक्ट में इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। सर, इनके टोटल बिल कितने का था? टोटल बिल कितने का था? वो 6 ट्रांसफार्मर का उसका जो बिल है नियमानुसार वो था। टोटल का जानकारी नहीं है आपको? 5,000 के जो छह फाइल थी उसकी एक फाइल से 5,000 रुपये। और भी ठिकानों पे कार्रवाई हो रही है? हाँ, इनके घर पे हमारी दूसरी टीम रेड कर रही है। कहाँ? भोपाल? भोपाल, भोपाल में। और मतलब और भी कुछ खुलासे होने की है इसमें? वो तो जैसी जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी आगे। उनके पास में कुछ डायरी वगैरह कुछ उपलब्ध हुई है जिसपे पूरा लेखा जोखा मेंटेन करते थे वो? डायरी हमको अभी तक नहीं मिली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।